नमस्कार, सीधी बात के कार्यक्रम में इस बार हम उपस्थित हैं एक मंत्री के साथ। कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर। इनकी पार्टी और ये सदैव जिस तरह से इनके कार्यशैली रही और जिस तरह से इन्होंने अब तक काम किया, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से एक व्यक्ति जमीन से उठकर आता है तो उसका संघर्ष बताता है कि आखिर ये जमीनी व्यक्ति। इन्होंने 1981 से शुरू की थी अपनी राजनीतिक यात्रा। उसके बाद जिस तरह से 1996 में पहला चुनाव उनकी पत्नी ने लड़ा था, उसके बाद जिस तरीके से आर्थिक तंगी से लड़ते हुए एक संघर्ष करते हुए, और एक बात आपको बता दें, शायद आपको जानकारी ना हो, जीप चलाकर ऑटो चलाकर यहां तक का सफर तय किया है। राजनीतिक इनके लोक संघर्ष बहुत रहे लेकिन विवाद भी उतने ही रहे। कई सारे दलों के साथ मिलते हुए, सारे दलों के साथ एक दो दल ऐसे तो रहे जो खासकर इस सत्ता में, उत्तर प्रदेश की सत्ता में भी रहे, उन दलों के साथ इनका तालमेल रहा, टूटा भी, लेकिन उसके बाद अपनी पार्टी खड़ी की। संघर्ष था 2002 में जब पार्टी खड़ी करना और उसे खड़ी कर इस स्थान तक पहुंचाना, यह कठिन काम था लेकिन वहां का सफर तय किया और आज कैबिनेट में मिनिस्टर है। हम बात करेंगे ओम प्रकाश राजभर से इस पूरी व्यवहार कथा पर, राजनीतिक यात्रा पर, और अब तक के इन पर उठ रहे सवालों पर उनसे पूरे जवाब देंगे बस थोड़ी देर। नमस्कार, हाजिर है हम ओम प्रकाश राजभर जी के साथ। आइए हम बातचीत करते हैं। ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार। ओम प्रकाश जी, आरोप लगता है 1981 से लेकर अब तक की राजनीति देखें आपकी, तो काफी आप लड़ाई और झगड़े पर रहे हैं। आपके बयान ऐसे रहे हैं कि हमेशा देवर और बगावती टाइप के। आप बसपा के साथ भी रहे, वहां छूटा, उसके बाद आप भाजपा में हैं तब भी वही। एक बार आपने मुख्तार अंसारी के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कही, पीछे हट गए, तो ये सारा क्यों, क्या हाईलाइट होने के लिए कि ऐसे? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भी पिछड़ों, दलितों, गरीबों, अल्पसंख्यकों की जब आवाज बने तो उनके ऊपर भी तमाम लाछन लगे। महात्मा ज्योतिबा फुले ने भी जब इस वर्ण व्यवस्था के हिसाब से, जब शूद्र समाज को उन्होंने शिक्षा दिलाने की तैयारी की तो उनके ऊपर भी ब्लेम लगे। जब गौतम बुद्ध जी ने भी समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की बात जब उन्होंने किया तो उनके ऊपर भी ब्लेम लगे। आज के तारीख में जो आरोप लगाने वाले लोग हैं उनसे जरा पूछिए कि 70 साल की आजादी में आज राजभर का बेटा, बिंद का, मल्लाह का, चौहान का, पाल का, प्रजापति का, कुम्हार का, लोहार का, ये तमाम जातियां इनके बच्चे सिपाही क्यों नहीं बनते हैं? क्या उन्हीं की जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी नहीं है जी। आज उनको, आज 70 साल की आजादी में इनको राशन कार्ड अभी नहीं बन पाए, तमाम सरकारें बनी, उनकी मूलभूत समस्या है। आज ऐसे पात्र व्यक्ति हैं जिनको आवास की जरूरत है, जो अपात्र है उनको आवास मिल जा रहा है। आज लंबी सड़कें बन रही हैं, 6 लेन की, 4 लेन की सड़कें बन रही हैं, 8 लेन की सड़कें बन रही हैं, लेकिन वो कैसे आएगा उस सड़क पे जो झोपड़ी में रह रहा है गरीब, उसका चकमार्ग चकरोड़ खड़जा नाली कब बनेगा? इस सवाल को लेके जब हम बोलते हैं तो लोगों को लगता है जीवन बोलते हैं। आप बसपा के साथ रहे टिके नहीं, भाजपा के साथ आए, अभी टिकने का कोई दिख नहीं रहा, ऐसा क्यों? मैं 14 साल बसपा के साथ थी। जब कांशीराम जी की बसपा थी तब तक बसपा थी, अब मायावती जी की बसपा हो गई है और मायावती जी के इशारे पर लोग करते हैं, तो इस नाते हमारी मायावती जी से नहीं पटी। चूंकि हम, जब उन्होंने नारा दिया कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जी, तो सर्वजन का भी हित होना चाहिए। जो अभी हमने आपने तो नारा ही बदल दिया, आपने कहा सर्वजन हिताय चमार सुखाय, आप तो नारा ही बदल रहे। बहुजन दुखाय सर्वजन हिताय मायावती जी का नारा है। आपने एक भाषण में आपने कहा कि मायावती जी ने नारा बदल दिया है, और एक इंटरव्यू में भी आपने कहा था कि सर्वजन हिताय और चमार सुखाय, आप चमारों पर टारगेट क्यों कर रहे हैं? नहीं, टारगेट नहीं, मायावती ने टारगेट किया है जी। मायावती जी ने जब सरकार 4-4 बार बनी तो अम्बेडकर ग्राम विकास योजना, अम्बेडकर का विकास योजना में सड़क, चकरोड़, खड़ंजा, हैंडपाइप, जीएस, बंजर, नाली, मिटिया के शादी में रुपया, त्रिवन टेल, हरिजन स्कूल, नौकरी, सारा का सारा काम वो चमार बस्ती में करती थी। वही धोबी, दरकार, पासी, खटी, खेला, कुचड़ा, मुसा रहता है, वही गांव में राजभर, चौहान, बिन, केवट, मल्ला, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार रहता है। सड़क बनी तो चमार बस्ती से, हैंडपाइप लगा तो चमार बस्ती से, बिजली का खम्भा गिरा तो वहां गिरा, स्कूल बना तो वहीं। इस नाते मेरा आरोप लगता है, जो मैं आरोप लगाता हूँ, क्योंकि आप किसी अम्बेडकर गाँव में चले जाइए, बगल में ब्राह्मण बस्ती में, राजपूत बस्ती में, राजभर बस्ती में, चौहान में, बिंद में, वो रास्ता क्यों नहीं बनता है? किस वही बनता है क्यों? मैं जिस गांव का रहने वाला हूँ, मेरा गांव अम्बेडकर गांव है, और मेरे अम्बेडकर गांव में लगभग 600 चमार भाइयों का है, उन्हीं की खाली सड़क बनती है जी।
किसने मेरा आरोप लगा, मैं आरोप लगा, आरोप लगाना चलो ठीक है, लेकिन जिस पार्टी ने आपको 8 सीटें दी, 4 सीटें आप जीते, उसके बाद जिस पार्टी ने आपको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, आप उसी खिलाफ से बगावती तेवर पर जिस तरह से बयान दे रहे हैं, आपने कहा आप गब्बर, ऐसे बयान क्यों? देखिए अगर ये बहम है, मैं पूर्वांचल में 125 सीटों पर भाजपा को वोट दिलाया, मैं गठबंधन किया हूँ और गठबंधन में गरीब कमजोर लाचार पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ता हूँ, उनके हित के लिए मैं कहता हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा कोई निजी स्वार्थ हो, मैं किसी से भी अपने लिए फीका पट्टा नहीं मांगता हूँ, मैं किसी से भी अपने लिए कोई चीज नहीं मांगता हूँ, मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि उन गरीबों की बात लोग सुने, उनका काम करें। अच्छा, इस समय सम्मान मिल रहा है कि नहीं आपको, कैबिनेट मिनिस्टर है, आपकी बात सुनी जा रही है कि नहीं? अब तो अगर एक एक चीज बताने लगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मैं पहले गया था गाजियाबाद, एक वहां मोदी फैक्ट्री थी, बंद थी, भूख हड़ताल पे 19 दिन से लोग बैठे थे, विभागी कोई मिनिस्टर नहीं गया, मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझ के वहां गया। उद्योग मंत्री सतीश महाना ये भी नहीं गए? नहीं गए, श्रम मंत्री नहीं गए जी। जब मुझे बताया और उनसे हमारी बात हुई तो थोड़ा कि मंत्री लोग नहीं सुन रहे, सरकार कुछ नहीं करे, तो मैं खुद गया वहां, तो भूख हड़ताल पे बैठे हुए लोगों को मैंने कहा कि भाई मुझे 15 दिन का टाइम देंगे, मैं कुछ करके आपको दिखाता हूँ, आज आप अनशन खत्म करिए, अगर तुम्हें यहाँ बैठे हो मर जाओगे तो क्या होगा। तो लोग हमारी बात को माने और हम वहां से आए, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, 4 सदस्यीय टीम मंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी ने गठित कर दिया, मेरठ कमिश्नर ने 252 करोड़ रुपए का घोटाला की रिपोर्ट दे दिया, ताकि FIR होना चाहिए, सरकारी संपत्ति बेची गई और 2.5 महीना हो गया अभी तक FIR नहीं। कुछ रिपोर्ट आई उसमें बड़ा घोटाला सामने आया और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा क्या लगता है? सरकार जिस सरकार में वहां अगर घोटालों पर बात नहीं सुन, जिस नाम से सरकार आई थी कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, सड़कें बनेंगी, किसानों की बात सुनी जाएगी, अभी किसान परेशान नहीं होगा, और उस सरकार में अगर ऐसा हो रहा है उसमें आप मंत्री पद पे आश्रित है, क्या आपको लगता है नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे के आप? देखिए नैतिकता कहां रह गई है जी, कल मैं अम्बेडकर नगर था और अम्बेडकर नगर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे थाने अधिकारी हैं जो गरीबों को नजरअंदाज कर रहे हैं, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, हम लोग यहाँ से पत्र लिख रहे हैं, चिट्ठी जा रही है, तो एक आदत सी बनी हुई है कि यहाँ से रिमार्क हो गया नीचे, फिर अधिकारी उन रिमार्क के नीचे, फिर यहाँ तक कि जो ग्राम सेवक गांव सेवक है उसको दे दिया गया, उसके यहाँ रिमार्क करके चला गया, वो जो मुझे पत्र मिला तो मुझे आश्चर्य हुआ। अच्छा एक बात समझ में ये नहीं आती, इससे कोई बात है विवाद तो उसको बैठ के सुलझा लीजिए, आप मंचों पर क्यों करते हैं? आपने भी हाल ही मंच पर कहा। मैं इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय सुनील बंसल जी से, माननीय अमित शाह जी से जब कहते कहते उनसे थक गया, तो जिन लोगों के बदौलत मैं आया हूँ, अगर भाजपा कहती है कि हमारे बदौलत आए हैं तो मैं भी कहता हूँ कि मैं मेरे बदौलत आपकी सरकार बनी है, विपत्त की घड़ी मुझे कोई नहीं मिला, तब ओम प्रकाश राज पर खड़ा हुआ था, तब उनके साथ खड़ा हूँ पूर्वांचल में, आप पता कर लो जिस दिन मैं साथ छोड़ूंगा पूर्वांचल में, फिर देख लेना का हासिल होगा। यानी कहीं ना कहीं आप ये दे रहे हैं संकेत कि अगर साथ छोड़ा तो हासिल गड़बड़ होगा। अच्छा एक बात और, जिस तरीके से अब तक रहा है, क्या योगी सरकार ने बिल्कुल ऐसे कोई काम नहीं किए जो समाज जो गरीब वर्ग के लिए सुविधाएं हो? ये योगी जी ने काम किया, लेकिन जो कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो उसका गलत उपयोग कर रहे हैं, अभी मैं सुल्तानपुर का था, अब एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन हुआ है कि जो सरकारी जमीनों को कब्जा करके वो बेचते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई है। अधिकारी क्या कर रहे हैं, जो गरीब 50 साल 60 साल 70 साल से बसा उसी को जा रहे हैं, उनके यहाँ जाने की हिम्मत नहीं है, और सरकार को रिपोर्ट कागज में भेज रहे हैं हमने इतनी जमीन खाली करा दी, आप खाली उसकी कराओ जिसके लिए काम बना है जी, वहां तो ये जा नहीं रहे हैं। अब मेरी लड़ाई है उन गरीबों क्यों जा रहे हो, वो 40 साल 50 साल से बसा है। अधिकारियों की बात करें तो आपने बनारस के मंच पे आरोप लगाया कि पहले 500 रुपए में काम हो रहा था समाजवादी पार्टी के, 5000 में होता है। सब प्रतिशत सही है जी, आज भी मैं उस बात कहता हूँ कि आप एक भी काम बता दीजिए कि बिना पैसे में हो रहा हूँ, एक भी सिंगल काम, खुलेआम जो है ये रिश्वत बढ़ी है घटी नहीं, पैसे लिए जा रहे हैं खुलेआम लिए जा रहे हैं, अभी वहां तो छोड़िए, अभी शिक्षा विभाग के यही कोई लास्ट डेट था, इसी सचिवालय में मैंने देखा 50-50 हजार रुपए विद्यालय प्रबंधक ले लेके लाइन लगा दे रहे थे और काम करा रहे थे। आप खुलेआम ऐसी बातें कहते डर नहीं लगता? किस बात का डर,
गब्बर कर किस बात का डर लगेगा? हम कोई चोर हैं, हम कोई लुटेरा हैं। डरता वो है जो चोर चाय होता है जी, वो डरता है। आप डरते नहीं, आपने मुख्तार अंसारी के खिलाफ भी चुनाव लड़ने की बात कही थी, अभी अपने पीछे हो गए। नहीं, मेरा कार्यकर्ता महेंद्र राजभर कहा कि मैं खुद तैयार हूँ, जब भगवान राम चाहते तो पहले ही रावण को मार देते। पहले आपके दोस्त हुआ करते हैं कौन? मुख्तार अंसारी। हमारा आज भी संबंध है, हमारा संबंध आज भी विजय सिंह से, हमारा संबंध मुख्तार अंसारी से, हमारा संबंध अभय सिंह से है, राजा भैया से, हमारा संबंध धनंजय सिंह से, सबसे संबंध है। संबंध को कायम रखिए, उसमें बगावत भी पड़े। नहीं, देखिए हमारा संबंध व्यवहारिक है, सामाजिक है, पॉलिटिकल हमारा संबंध नहीं रहता है। आप जिस पार्टी में हो, आप चुनाव लड़ोगे तो आपके खिलाफ हम खड़े हो जाएंगे। अच्छा, एक बयान आपने और दे दिया, आपने एक संबोधन में कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपसे सवाल किया कि एक डिनर में आप लोग थे और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपसे कहा कि राजभर जी आप अपनी पार्टी कैसे चलाते हैं, पैसा कैसे आया, तो आपने बयान दिया कि जितना पैसे का, जितने पैसे का आपकी पार्टी महीने में खर्च करती होगी उतने पैसे हमारे समाज के लोग दारू पी जाते हैं। नहीं, मैंने प्रधानमंत्री से नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने मुझसे सवाल किया जी कि आप पैसा कहाँ से पाते हो। हम कहे कि देखो जितना सपा बसपा भाजपा कांग्रेस के लोग महीने भर में खर्चा करते होंगे उतना ये गरीब एक दिन में दारू पी जाता है देश में। इससे क्या संकेत जाएगा? इस तरह के बयान दिए आपको लगता है कि ये देश को क्या संदेश मिलेगा अगर ये शराब क्यों नहीं बंद कर देते? आप शराबबंदी के लिए तैयार हैं? इस बात पर टिकी रहिए, इस बात पर लड़िए। हम लड़ते, हम देखिए हम लड़ते रहते हैं, हम अपनी मीटिंगों में इस बात को कहते हैं शराब बंद होना चाहिए। एक तरफ दो तरह की भाषा क्यों देश में? एक तरफ बिहार में शराब बंद हो रही है, क्यों चालू हो रही है? क्यों यूपी में भी, बिहार में भी भाजपा वो का नाम नीतीश की पार्टी गठबंधन है। आज यहाँ जो भाजपा हम लोग गठबंधन तरह यहाँ तो नहीं बंद हो रही, हम तो कह रहे हैं बंद हो जी, क्योंकि वहां मुख्यमंत्री नीतीश जी थे, इस नाते बंद कर दिया। पर आप ही जो है एक आपने चुनाव में भाषण दिया था कि बाघी चौका से नहीं, दारू शराब इनसे वोट पक्का होता है, ये आपने बयान दिया? मैं बयान दिया था जब मैं अपने वोटरों को समझा रहा हूँ, जब वो मुझसे सवाल करते हैं वोटर तो वही बताते हैं, वोटर मुझसे कहा कि साहब हमारा रास्ता क्यों नहीं बन रहा है, हमको आवास शौचालय पेंशन का नहीं मिल रहा है, हमारे बच्चे शिक्षा में क्यों नहीं है, हमारे नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। हमने कहा तेरी दुर्गति का कारण जो सपा बसपा भाजपा कांग्रेस के नेता टिकट लेके आते हैं, टिकट लेके आने के बाद वो स्लोगन बना करके इनको पढ़ाते हैं गरीबों को, उनको समझाते हैं कि बाटी चोखा कच्चा हो और दारू मुर्गा पक्का हो। इस तरह के बयान देंगे तो दारू मुर्गा जोर नहीं होगा? नहीं जोर होगा। चुनाव ऐसे बयान दे, आज आपको बता दूं कई लाख लोग ओम प्रकाश राजभर के विचार को मान लिए हैं, दारू मुर्गा पैसा इनका नकार करके लोग वोट देते हैं। अच्छा, ऐसा लगता नहीं कि सारा कुछ बवाल आप लोकसभा को देखते हो? नहीं नहीं, हमारा लोकसभा का नहीं, मेरा सारा बवाल है हिस्सेदारी को लेकर के जी। आज क्या वजह है कि हम जिस फॉर्म से हैं, हजारों लड़के ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट एलएलएम पीएचडी हैं जी, उस योग्य हैं, लेकिन देश में उनको हिस्सा तो नहीं मिल रहा है जी। आज बिंद है, मल्ला है, पाल है, प्रजापति है, कुम्हार है, लोहार, इनको हिस्सा तो नहीं मिल रहा है। वही आज बताइए मुसार 1932 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रिजर्वेशन दिलाया, 1932 में आजादी के पहले, आज तक मुसार सिपाही नहीं मिलता है, आज बासफोर नहीं मिलता है, नट नहीं मिलता है, मिस्टर नहीं मिलता है, हेला कुजड़ा ये जाती है तमाम जो शेड्यूल कास्ट के उनको नहीं मिलता है। अगर इनके हिस्से की बात कहना, अगर हिस्सा मांगना, अगर बगावत समझ में आ रहा है तो समझो मैं बागी हूँ। अच्छा, बात मतलब ये नहीं आती, विचार पहले जब आपने गठबंधन किया होगा तो निश्चित रूप से दो लोग बैठ के विचार मिले होंगे, बात शर्तें हुई होंगी, बातें शर्तों मंजूर हुआ होगा, उसके बाद 10 महीने बीतते ही बगावत करना शुरू कर दिया। नेता जब बतियाते हैं, जब नेताओं का स्वार्थ होता है किसी को अपने साथ लेते हैं तो बड़ी लंबे लंबे बात और क्या है, 22 सीट देने की बात किया और दिया 8 जी, इसमें नाराजी भी तो हो गए, आप चुनाव लड़े तो जब नहीं, मैं देखी मेरी एक आदत है, अगर मैं आपके साथ हूँ तब तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा जब तक आपको नहीं दोगी आप चले जाओ जी, हम तब तक नहीं मानेंगे, हम इसी तरह बोलते रहे। आप डर नहीं लगता? आपके पास कैबिनेट मिनिस्टर है, आप कहते हैं मंत्री पद से हटा दो, कोई बात कोई दिक्कत नहीं है। हम गरीब कमजोर लाचार पिछड़े दलित की लड़ाई लड़ता हूँ, उनके साथ रहता हूँ और उनके लिए हमारे लिए सत्ता बहुत मायने नहीं है। 10 महीने की सरकार, आप सरकार में जवाबदेही आपकी भी, कितने काम आपके द्वारा धरातल पद की तरफ अग्रसर हुए आपके द्वारा? देखिए जो यहां से काम
सरकार फैसले लेती है कैबिनेट में जी। वो वहां तक जाते जाते 5 साल बीत जाते हैं और सरकार की विदाई विभाग द्वारा आपके नेतृत्व में जहूराबाद में बता दीजिए कि आपने इतने इतने काम कराए। अभी तो मैं जहूराबाद में एक एक्सीएल के लिए 10 महीने से परेशान हूँ, एक्सीएल नहीं ले जा पा रहा हूँ, ये मेरी काबिलियत है। मैं इस बात को मुख्यमंत्री से कहा, डिप्टी सीएम से कहा, अमित शाह जी से कहा, सुनील बंसल जी से कहा जी, यही मेरी कुबत है। तो इस ऐसे कैबिनेट से क्या मतलब है? नहीं, आपने एक्सीएम के लिए अमित शाह तक बात पहुंचा दिया, लेकिन उसके बाद भी बात नहीं मानते हैं आप। डीएम के लिए भी आप लड़ जाते हैं, आप एक्सीएम के लिए चले जाते हैं। आप सीएम से लड़ते हैं, डीएम क्या है? हमारा मकसद गरीबों को हिस्सा दिलाना है जी। गरीबों के साथ धोखा हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। अच्छा, एक अभी आपने करनैलगंज से पारसपर की तरफ से आपकी गाड़ी जा रही थी, बच्चियों को चल दिया, 5 लाख में समझौता कर लिया, ये कैसे आप? मैं समझौता नहीं किया, न मेरी गाड़ी से हुआ था। जब वहाँ के लोगों ने, कप्तान ने कहा कि वहाँ के लोग कह रहे हैं कि उन्हीं की गाड़ी से है, जबकि वो लोग कहते हैं कि सफेद इनोवा थी, मेरे पास कोई सफेद इनोवा थी ही नहीं, मेरे पास सिलेटी कलर की इनोवा से मैं गया। तो जब मुझे वहाँ एसपी ने कहा कि साहब ये लोग नहीं मान रहे, हम अपनी गाड़ी भेज देते हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं, अगर वो कह रहे हैं तो हम स्वीकार करते हैं, गाड़ी भी भेज दिया, चालान करा दिया और मुख्यमंत्री के कोष से 5 लाख रुपए का उनको जो है सहायता दी, वो मुख्यमंत्री ने कहा था। अभी हाल ही में नगर निगम के चुनाव थे, आरोप आप पर अनिल राजभर ने कहा कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। फिर वो बच्चा है, बच्चा है, अपने समाज का है ना, समझ है जी, वो गलती कर रहा है उसको समझा देंगे, समझ जाएगा जी, हम बच्चा है। आपने जब 1981 से, आखिरी प्रश्न, 1981 से राजनीति शुरू की थी, कुछ जीवन की उस यात्रा के बारे में जरा बताइए, जब वो बातें जानकर हर युवा उसके लिए ऊर्जा उत्पन्न हो और वो जाने कि हाँ अगर राजनीति में उतरना है तो इस रास्ते में चलेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी, वो कैसे दौड़े कैसे बीते? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कहा है कि किसी भी काम को अगर करने के लिए निकलना है तो 2 चीज बर्दाश्त करो, इंसल्ट और इंजरी, चोट और अपमान, ये जब झेलने के लिए तैयार हो तब तो आगे निकलो, नहीं तो ना निकलो। जब मैं उस काम में निकला तमाम रोड़े आए, तमाम दिक्कतें आई, पारिवारिक दिक्कतें आई। अब आप समझ लो कि मैं साइकिल का पंचर बनाता था, स्कूल पढ़ता था, साइकिल का पंचर इस नाते बनाता था कि गरीब परिवार का था, तो पंचर बनाने में उस समय 1 रुपया मिलता था, हवा भर देते थे तो 54 नहीं मिलती थी, तो इकट्ठा करके उसको जो हम फीस दे देते थे। हम आगे चले, कोशिश स्थिति और बिगड़ी तो हमने ऑटो रिक्शा, मैं दिन में पढ़ाई करता था, रात को ऑटो रिक्शा, घर गिर गया था आपका, उसमें दब गए थे भाई, जो अस्पताल में भर्ती हो गया, पिताजी अकेले कमाने वाले, 56 परिवार कमाने वाले, खाने वाले, और उसी में सब व्यवस्था, तो दिक्कत आई पैसे को, दवा को लेकर के, तो मैं ऑटो रिक्शा रात को चलाने लगा। किस सन की बात? ये है आपके 86-87 की। तो मैं ऑटो रिक्शा रात को चलाता था, एक दिन दुर्भाग्य से 5 सवारी लेके जा रहा था, टीआई रोक दिया, तो मैं तुरंत उतरा, मैंने कहा कि मानवर मैं ग्रेजुएट हूँ, मेरे सामने ये मुसीबत है, मेरा भाई बीएचयू में आज 6 महीने से भर्ती, अभी 3 महीना और रहेगा, और पिताजी अकेले कमाते हैं, कहा कुछ नहीं, ओवर लोडर ले चलो पुलिस लाइन ले गए। तो मैं जब ऑटो रिक्शा लेके चला और एक सिपाही बैठा मेरी गाड़ी में, तो मैंने मन बनाया कि चलो आज तुम तो मेरी गाड़ी का चलान कर रहे हो, मैं वो दिन पैदा करूंगा कि एक दिन तुम मुझे रास्ता दिखाओगे। जब मैं मिनिस्टर बना उसके बाद मैं जीप चलाया अपने रोड पर, उसके बाद 3 साल से आपने चला, 3 साल जो है मैं कमर्शियल खेती किया, सब्जी की खेती किया, उसमें मंडल स्तर पर मुझे पुरस्कार मिला है, आलू की खेती में, टमाटर की खेती में, हमको गन्ने की खेती में कमिश्नरी पर हमको पुरस्कार अधिकारियों द्वारा मिला। उसके बाद जब मैं खेती बंद किया तो फुल टाइम एकदम राजनीति में आ गए। तो मैं चूंकि मन बनाया था कि जिस दिन मैं सरकार में जाऊंगा, मंत्री बनूंगा, उस दिन उस टीआई को सलूट मारने के लिए आऊंगा कि तूने अगर मेरे ऑटो का चलान नहीं किया होता तो मैं जिद नहीं करता और राजनीति में मजबूती से नहीं लड़ता। जब मैं मिनिस्टर बना तो मैंने एसपी को फोन किया, डीएम को फोन किया, उस टीआई के विषय में पता किया, फिर कमिश्नरी में पता किया और जगह पता करा, तो पता लगा कि वो रिटायर हो गया। नहीं तो मेरी तमन्ना थी कि मैं जाऊंगा, उसको बुलाऊंगा और उसको सलूट मारूंगा कि भाई मैं तुझे सलाम करता हूँ कि तूने मेरे ऑटो का चलान नहीं किया होता तो आज मंत्री नहीं बनता। चलिए अच्छी बात है। आखिरी प्रश्न मेरा आपसे, कब तक टिके रहेंगे आखिर इस मंत्रिमंडल में? जब तक यहां तक बात नहीं पहुंची तब तक टिके रहेंगे? देखिए अंगद,
रावण के दरबार में पैर जमाया था। अब रावण कह रहे हैं भाजपा को? नहीं, मैं भाजपा को रावण नहीं कह रहा, मैं उदाहरण ये तो ही नहीं, उदाहरण ऐसा कि लेते हैं सब एक रावण उसे लगाते रहते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि रावण के दरबार में अंगद ने पैर जमाया और कहा कि मैं हार जाऊंगा सीता को, सिर्फ मेरा पैर कोई हटा दे तेरा गेंदा। तो मैं सत्ता में आया हूं तो अपने दम से आया हूं, मैं भी यहाँ पैर जमाया हूँ। दम की बात करते हैं, आप तो कहते हैं मैं गब्बर हूँ, दूर दूर जैसे बच्चा सोता है तो कहता है माँ कहती है बच्चा सो जाए तो गब्बर आ जाएगा, अब उसको उल्टा करें तो ऐसे माँ कहती है कि बच्चा सो जाए वरना ओम प्रकाश अंधेरा बिल्कुल आ जाएगा। नहीं, बच्चे की अगर कहीं कोई जुर्म जाति अत्याचार गरीब के ऊपर होगा तो 50-50 कोस दूर पर यह संदेश होगा कि ओम प्रकाश राजभर आ जाएगा, नहीं तो कोई भी अधिकारी किसी गरीब को न सताए, ये संदेश देने की कवायद में मैं था। कुल मिलाकर आपकी बातें सही होती है लेकिन अर्थ दूसरा लगाते हैं। लगाने का यार देखिए एक शब्द बहुवर थी तो जस हो बाते हरि ने बोला हरि ने सुना हरि गए हरि के पास, वे हरि तो हरि में गए वे हरि भय उदास, सब देखा या था नहीं।